नमस्कार दोस्तों, यह न्यूज टीवी बिहार का न्यूज है। नियोजित शिक्षकों पर मुख्यमंत्री को आया रहम, अधिकारियों को शिक्षकों की वरीयता खत्म नहीं करने का दिया आदेश। 12 जून यानी कि आज का न्यूज है, चलिए देख लीजिए। विशेष शिक्षक बनने पर नियोजित शिक्षकों की खत्म नहीं होगी वरीयता, वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल देने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश। तय समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, सीएम ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को दी चेतावनी। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले आनंद पुष्कर, उनके सुझाव को मुख्यमंत्री ने सराहा, साथ ही अधिकारियों को इस पर काम करने का दिया दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की वरीयता खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियोजित शिक्षकों की वरीयता खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनसे त्याग पत्र नहीं लिया जाएगा, बल्कि सभी नियोजित शिक्षक बिरमन पत्र लेकर विशेष शिक्षक बन जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिक्षकों की पोस्टिंग 15 से 20 किलोमीटर तक करने का भी आदेश दिया। बहुत जल्द विशेष शिक्षकों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंगलवार को सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर मिले तथा शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने का मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। पुष्कर ने सुझाव दिया कि विद्यालयों में उनके पद स्थापन के लिए उनसे विकल्प मांग लिए जाए तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय विकल्प में से किसी एक सुविधाजनक विद्यालय में उन्हें मानवीय आधार पर पदस्थापित करके उनके साथ नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की लंबी और निरंतर सेवा के आधार पर प्रथम योगदान तिथि से ही उनको वरीयता बरकरार रखने का भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। श्री पुष्कर ने बताया कि मुख्यमंत्री इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन देते हुए इस दिशा में तुरंत पहल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। श्री पुष्कर के साथ ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन भी शिक्षकों के हित में इस पहल का स्वागत करते हुए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सारण प्रमंडल के संयुक्त सचिव लाल बाबू जी ने कहा कि स्वर्गीय केदारनाथ पांडे का ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने में मुख्यमंत्री की पहल स्वागत योग है। तो दोस्तों, यही अपडेट है कि जो शिक्षक के घर से 15 से 20 किलोमीटर के अंदर विद्यालय मिल सकता है इस न्यूज के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।